हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल हैंडवर्क विथ नाज में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ नया डिज़ाइन आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आज मैं आपको सल्ली वाले पर्दे हल बना कर के बताऊँगी किस तरह से बनाया जाता है। देखिए, ये सल्ली है, इसको पैंप भी बोला जाता है, ये सल्ली भी बोला जाता है। तो इसी का आज मैं आप लोगों को पर्दे हल बना करके बताऊंगी। ये 4 इंच का सल्ली है और इसको बीच से तोड़ देना है, 2 इंच पे, 2-2 इंच है, इस तरह से तोड़ देना है इसको। उसके बाद ये वाइट ऊन है। पहले हम आपको इसका पट्टी बना करके बताएंगे किस तरह से बनाया जाता है। पट्टी में पहले सिकड़ी लेना है, 20 सिकड़ी लेना है। उसके बाद लौंग लेना है, 2 लौंग हुआ, 3, 4, पाँच, 6 लौंग लेना है। उसके बाद 20 सिकड़ी लेना है। यहाँ पे 20 सिकड़ी लेने के बाद इसमें सल्ली लगाना है। देखिए किस तरह से लगाया जाता है। ये आपको बता रहे हैं कि क्रूस से नहीं डाला जाएगा, सुई के ज़रिए डाला जाएगा। ये देखिए किस तरह से दिया जाएगा। उसमें पहले ऊन में एक धागे को फंसा करके उसमें गिढ़ा डाल दीजिए। उसके बाद सल्ली में निकालिए। ये देखिए किस तरह से निकाला जा रहा है, वो देखिए इस तरह से निकल गया ये। अब उसके बाद इसमें अब ये धागा को हटा देंगे, सुई को। अब ये धागा जो ऊन जो है उसको सल्ली तक लेना है, सिकड़ी जो है सो सल्ली तक रहेगा। उसके बाद एक सिकड़ी लेना है उसमें। देखिए सिकड़ी जो है सो 6 घर छोड़ करके पूरे में लेना है। अब यहाँ पे लौंग बनाना है, फिर से जैसे वो उधर बनाए हैं उसी तरह इसमें बनाना है। 6 लौंग बनाएंगे फिर से। देखिए ये 4 हो गया है, ये 5 हो गया, 6 हुआ। उसके बाद 3 सिकड़ी लेना है, फिर पलटा देना है उसको, फिर वहाँ पे लौंग बनाएंगे, फिर 6 लौंग बनेगा वहाँ पे। ये देखिए लौंग बन गया है। अब फिर सिकड़ी जो है सो 20 सिकड़ी लेना है यहाँ पे। ये हो गया है। अब इसमें फिर उसी तरह जैसे वो सल्ली डाला गया है उनमें, उसी तरह से फिर ये सल्ली दिया जाएगा, सुई की मदद से दिया जाएगा। देखिए कितना आसान तरीका है ये सल्ली निकालने का।
फिर एक सिकड़ी दे देना है। ये हम आपको पट्टी बना करके बता रहे हैं, थोड़ा सा पट्टी बना करके हम बताएंगे। फिर यहाँ पे लौंग बनाना है, 6 लौंग फिर से देना है यहाँ पे। इसी तरह ये देखिए, इसी तरह से लौंग देना है। देखिए दो सल्ली हो गया। फिर यहाँ पे वैसा ही बनाना है आपको, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इसी तरह बनाया जाएगा। जितना बार आपको पट्टी बनाना है इसी तरह इसी डिज़ाइन में आपको बनाना होगा, क्योंकि हम थोड़ा सा ही बना करके बताएंगे आपको। ये देखिए इसी तरह सल्ली में दिया जाएगा सुई के मदद से। देखिए कितना अच्छा से निकल गया सुई के जरिए। और यहाँ पे जो है सो फिर लॉन्ग बनाना है आपको, यहाँ पे फिर से लॉन्ग बनाएंगे। उतना ही लॉन्ग बनेगा, 6 लॉन्ग उस तरफ, 6 लॉन्ग इस तरफ। इसी तरह पूरे पट्टी में बनाना है, इसी तरह सल्ली लगेगा उसी तरह पूरे पट्टी में 6 लॉन्ग लगेगा। हम आपको इतना ही बताएंगे, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा। और चलिए आपको हम बताते हैं फिर से अब पर्दे हल कैसे बनाया जाएगा। तो ये भी सल्ली जो है सो 2 इंच पे तोड़ लेना है सभी सल्ली को। उसके बाद सुई के ज़रिए उसमें ऊन में लगा लेना है। ये देखिए अब हम यहाँ पर से पर्दे हल छान रहे हैं, कैसे छाना जाता है वो देखिए। यहाँ पे हम लॉन्ग बना रहे हैं, यहाँ पे 3 लॉन्ग देना है आपको, फिर 2 सिकड़ी, फिर 3 लॉन्ग, ये 2 हुआ 3, फिर 2 सिकड़ी देंगे, उसके बाद फिर 3 लॉन्ग देंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको लॉन्ग बनाना है। फिर लॉन्ग बना रहे हैं, 3 लॉन्ग देंगे। देखिए ये 4 लॉन्ग बन गया। ये देखिए पांच घर बना है, इसमें 5 घर बनेगा। उसके बाद फिर 20 सिकड़ी लेना है आपको। 20 सिकड़ी लेने के बाद देखिए, 20 सिकड़ी लेने के बाद फिर सुई के ज़रिए आपको इस तरह से सुई लगाना है, फिर सल्ली में निकालना है। उनको कैसे निकाला जाता है वो देखिए, देखिए किस तरह से आसानी से निकल गया है, बहुत ही आसान तरीका है। आप भी लोग इस तरह से निकालिएगा। इसमें 2 सल्ली देना है, क्योंकि घर कतली बनाना है वहाँ पे, तो 2 सल्ली देना पड़ेगा। तो मैं 1 सल्ली दे चुकी हूँ, फिर 2 सल्ली दे रही हूँ। ये देखिए 2 सल्ली दे दिए हैं। ये देखिए ये निकल गया,
अब मैं धागा को हटा लूँगी। ये देखिए, अब जितना सिकड़ी बनाए वहाँ तक सल्ली है। अब वहाँ पर से फिर एक सिकड़ी डालेंगे, दो सिकड़ी, उसके बाद थोड़ा सा देखो कैसे करके बनाएंगे। ये देखिए, ये घर बन गया है, सल्ली का घर। अब यहाँ पे फिर लौंग बनाना है, तीन ठो फिर लौंग देना है यहाँ पे, फिर दो सिकड़ी देना है, फिर दो सिकड़ी देने के बाद फिर तीन लौंग देना है। इसी तरह आपको फिर यहाँ पे पांच घर बनाना है यहाँ पे। देखिए इसी तरह बनाना है पूरे पट्टी में, इसी तरह एक लाइन बनाना है। हम आपको यहीं पर से बताएंगे फिर कैसे घुमाना है। आपको पूरे पट्टी में बनाना है ये ऐसे ही डिज़ाइन, फिर यहाँ पे आपको घटाना है, दोनों तरफ से घटाया जाएगा, किस तरह से घटाना है। अब यहाँ पे भी वही किए हैं, तीन लौंग दिए हैं, दो सिकड़ी दिए हैं, उसके बाद 20 सिकड़ी, फिर लौंग देंगे, फिर सल्ली देंगे यहाँ पे। ये देखिए सल्ली दे रहे हैं, ये देखिए सल्ली दे दिए हैं। अभी ये बीच में जो है फिर लौंग बनेगा, तीन लौंग यहाँ पर देंगे। जैसे जैसे घर बनेगा उस तरह से यहाँ पे घर बढ़ता ही जाएगा, एक इधर इस तरफ से, एक इधर से बनेगा, दोनों तरफ से घर बढ़ता जाएगा। फिर जैसे नीचे में हम पांच घर दिए हैं उसी तरह ऊपर में जा कर के पांच घर देना है, फिर उसके बाद घटाना है, इसी तरह आपको बनाना है। हम आपको इतना ही बताएंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बनाया जा रहा है। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा हमको कमेंट करके। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा प्लीज़, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच सके। इसी तरह देखिए आपको बनाना है। अब देखिए, ये देखिए बन करके तैयार हो गया, एक ही कतली का है, पूरे पट्टी से लेकर के आपको घटा करके देखिए कैसे बनाना है, कितना खूबसूरत लग रहा है डिज़ाइन। ये सल्ली वाला पर्दे हल इनको बोला जाता है। ये वीडियो हम पहले भी दे चुके हैं लेकिन बना करके नहीं दिए थे, ऐसे ही अपलोड कर दिए थे, ताकि आप लोगों को पसंद आएगा। कमेंट करके हमको बताइएगा कि बना करके बताने के लिए, तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ये हम आपको बताएं कि किस तरह से बनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी हो। इस तरह से लड़ी बनता है, देखिए। तो फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के।